सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड मुख्यालय से मेन रोड तक बन रहे पीसीसी पथ में अनियमितता बरते जाने को लेकर बसपा नेता अजय वर्मा ने डीडीसी गढ़वा को आवेदन देकर संवेदक पर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पीडब्ल्यूडी रोड से प्रखंड कार्यालय तक बन रहे पीसीसी पथ में घोर अनियमितता बरती जा रही है। पीसीसी पथ में घटिया सीमेंट, अवैध बालू, छरी का उपयोग ढरल से किया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। बताते चले कि जब पत्रकार न्यूज को कलेक्ट करने जाते हैं तो कुछ वैसे मन चले उन्हें भी धमकी दे जाते हैं कि अगर खबर चला तो इस रास्ते से आना जाना बंद कर देंगे। जबकि प्रखंड मुख्यालय में सभी प्रखंडवासी जा सकते हैं, लेकिन दो चार लोगों का कहना है कि हम लोगों का रोड है, जब हम लोगों की शिकायत नहीं है तो इसमें आपको क्या पड़ी है। साथ ही पथ ढलाई के समय बगैर जेई की उपस्थिति में की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जा रहा है। जबकि प्रखंड कार्यालय के नजदीक बीडीओ एवं सीओ का आना जाना इसी मार्ग से हो रहा है। कितना बालू डला रहा है? छो सीमेंट एक छो बालू डला रहा है और एक अथी सीमेंट डला रहा है। और गट्टी कितना? आठ। आठ गट्टी डला रहा है। आपका कसियाड़वा घर है? कसिया है। कसिया है, नाम का है? आप यहाँ पे कई दिन से काम कर रहे हैं? तीन दिन से। यही सीमेंट से ढलाता है ना? हाँ। ओके। मजदूरी कितना मिलता है? तीन सौ। केतार प्रखंड मुख्यालय मुख्य पथ से जोड़ने वाला पीसीसी सड़क ग्रामीण विकास विभाग से बनाया जा रहा है, जिसमें घोर अनियमितता की जा रही है। संवेदक के द्वारा मेटल कटेरी का चिप्स और घटिया बालू का प्रयोग करके बांगूर प्लेन सीमेंट से 6:1 के मसाला से ढलाई हो रहा है, जबकि वह सड़क पूरे प्रखंड मुख्यालय के तमाम कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, आम नागरिक को उस सड़क से गुजरना है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के तार के नाक के नीचे इस तरह घटिया काम हो रहा है, जिसकी शिकायत मौखिक रूप से ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से किया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह कहकर पाला झाड़ लिया कि हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। और जब हम लोगों ने इस मामला पर हम लोगों ने संज्ञान लिया, हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को भी इस बात का दर्द है कि हम लोगों का प्रखंड मुख्यालय का सड़क गलत बन रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी सुधार हो, लेकिन विभाग का कोई अधिकारी पदाधिकारी वहाँ मौजूद हम लोगों को नहीं मिला और विभाग के अनुपस्थिति में यह कार्य संवेदक के द्वारा मनमानी तरीके से किया जा रहा है। संवेदक के कुछ चंद लोग हैं जो मनबढ़ू कैटेगरी के लोग हैं, जिनको रोक टोक करना, झगड़ा को न्योता देना है। तो हमने इस पूरे मामले से उप विकास आयुक्त गढ़वा को वर्चुअल व्हाट्सएप के माध्यम से हमने आवेदन दिया है और हमारे आवेदन को उप विकास आयुक्त महोदय ने देखा भी है। हमने मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को, ग्रामीण विकास मंत्री को और डीसी गढ़वा को और स्थानीय विधायक श्री भानु प्रताप शाही को भी हमने इसकी सूचना प्रतिलिपि दिया है। समाचार पत्र के लोगों को भी हमने कहा है और हम मांग करते हैं कि इस तरह का जो घटिया सड़क बना है वह सड़क को तोड़कर और पुनः अच्छा सड़क बनाया जाए। चूँकि यह प्रखंड मुख्यालय का सड़क है और इसमें जो घटिया किस्म का काम जो संवेदक के द्वारा किया गया है उसकी उचित कार्रवाई करके जांच कर और सड़क निर्माण कार्य करने का काम किया जाए और दोषी को सजा देने का काम किया जाए। मैं अजय वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता,